उत्तर प्रदेश विधानसभा मजियात योगी आदित्यनाथ हुंकार जिस माफिया आसे जिस अपराधी आसे माटित मिहलाय दिम उत्तर प्रदेश विधानसभा मजियार एबार ए हुंकार दिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डांगर खबर ए मुहूर्त माटित मिहलाय पेलाम अपराधी आरु माफियाक उत्तर प्रदेश विधानसभा ए हुंकार योगी आदित्यनाथ अपराधी माफियाक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुंकार माफियाक कुने लालन पालन करिसे बुली मुख्यमंत्री प्रश्न सदन अपराधी माफियार विरुद्धे गरजी उठिल योगी आदित्यनाथ মাটির লগত মিহলাই দিয়া হব মাফিয়াক বলি হুংকার দিলে যোগী আদিত্যনাথে যে যিসকল মাফিয়া আছে যিসকল অপরাধী আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ কঠোৰ হোৱাৰ হুংকার দি কলে যে সমাজবাদী পাৰ্টিয়ে পুহি ৰাখিছে অপরাধী মাফিয়াক অপরাধী আৰু মাফিয়াক পুহি ৰাখিছে সমাজবাদী পাৰ্টিয়ে মাটিত মিহলাই পেলাম অপরাধী আৰু মাফিয়াক বুলি মন্তব্য কৰি যোগী আদিত্যনাথৰ বিধানসভাৰ মজিয়াত হুংকার কি মন্তব্য করলে মন্তব্য কর घटना जो प्रयागराज की हुई है वो दुखद है और सरकार ने उसका संज्ञान लिया है और मैं इस पूरे हाउस को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार जो कार्रवाई अब तक करती रही है उसके परिणाम भी बहुत शीघ्र सामने आएंगे कोई संदेह नहीं होना चाहिए लेकिन जो ये अपराधी हैं जो ये माफिया हैं आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं बात जवाब आ जाए ये जब अभी आपका नाम तो नहीं जिस माफिया आपने के खिलाफ जवाब आ जाए जिस माफिया के खिलाफ जो भी हो किसी का नाम नहीं है ना किसी का नाम सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था आप अपराधियों को पालेंगे प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो क्या चाहिए बताइए क्या अपराधी भी था किस पार्टी का था किस पार्टी का था आप सारे अपराधियों को पालेंगे उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे मैं उन्हीं पे आ रहा हूं उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप हम भी उन्हीं बातों पर कह रहे हैं क्या यह सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर तोड़ने का काम हो